आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। एक्टिव न्यूज के दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के बसोली में स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज की पहली न्यूज़लेटर विश्वस्थली का आज एडीसी संजय गुप्ता द्वारा विमोचन किया गया, जिसमें रामेश्वर कॉलेज के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, डिग्री कॉलेज बनी के प्रिंसिपल आशाराम, डिग्री कॉलेज मानपुर के प्रिंसिपल वीरेंद्र रसोत्रा व डिग्री कॉलेज बिलावर के प्रिंसिपल सुरेश शर्मा, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसोली के प्रिंसिपल पवन शर्मा विशेष रूप में उपस्थित हुए। इसके साथ ही बसोली के शिव कुमार पादा व अमरीश शर्मा भी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रिंसिपल रंजीत सिंह जम्मूवाल ने कॉलेज की भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला व एडीसी संजय गुप्ता ने बताया कि वे पहले भी कॉलेज की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं व आगे भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग कॉलेज को मिलता रहेगा। पेश है संबंधी हमारे सहयोगी विशाल मेहरा की एक रिपोर्ट। As you all know, we have gathered here today to release the maiden issue of the college newsletter, Vishwasthali. Manpur? Welcome. We also welcome... संजय गुप्ता जी, एडीसी दसौली, डॉक्टर दुत्तन दसौता जी, प्रिंसिपल मॉडल डिग्री कॉलेज मानपुर, प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बिलावर, प्रोफेसर आशाराम जी, डिग्री कॉलेज बनी, राजेंद्र प्रसाद जी, द चेयरमैन ऑफ रमेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्रोफेसर पवन शर्मा जी, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सीनियर advisory committee of the college, prominent citizens of the Basoli, the parents of the students, and my shining star of Degree College Basoli. I welcome all of you for this occasion for the release of the maiden issue of the newsletter Vishwasthali. इससे पहले मैं कुछ आपको बताऊं, मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था 27 अक्टूबर 2017 में, और ज्वाइन करके जब मैंने कॉलेज का व्यू देखा, या मेरा पहले भी मन में था कि जिस कॉलेज में भी मैं जाऊंगा उस कॉलेज को प्रॉपर अपग्रेड करके और जो सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए होंगी, जितना पॉसिबल हो सकता है वही मैं सारी कंप्लीट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो आते ही इस कॉलेज में जब एडीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने विजिट किया कॉलेज में, तो हमने आपस में काफ़ी शेयरिंग करी। उसी हिसाब से पहला जो था मैंने यहाँ पे कॉलेज में जो टेक ओवर किया था, इस कॉलेज का प्ले फील्ड्स नहीं थी, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास, जोराबर पीछे बैठा है प्रेसिडेंट और इसके साथ रौनक, ये सारे आए कि सर हम चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज बसोली वाले बच्चे भी इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करें। तो मैंने कहा था आप क्या खेलना चाहोगे, कहते हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो पीटीए से जब मैंने इंक्वायर करा तो पता चला कि इनका फिक्स्ड मैच का 3 डेज के बाद इनका मैच है, फर्स्ट मैच था। तो हैट्स ऑफ टू दीज स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने लेवल पे बैट्स, लग गार्ड्स, पूरी किट जो थी अपने लेवल पे अरेंज करके कॉलेज ने इन्हें बस प्रोवाइड करी, टीचर एस्कॉर्ट करने के लिए दिया, और ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। और इन्होंने फर्स्ट मैच में ही केसी लॉ कॉलेज को ह्यूज मार्जिन 45 रन से इन्होंने वो मैच जीता, कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट टाइम ही मैच जीत के आए और इंटर यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करके, और ये क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल में लिए। वो यूनिवर्सिटी में कुछ कंफ्लिक्ट हुआ कि क्वार्टर फाइनल नहीं हो पाया, अदरवाइज ये डिटरमिन थे कि हमने फाइनल जीतना है, फर्स्ट टाइम आके फाइनल जीतना है। उसके बाद इस कॉलेज का एक और स्टूडेंट था, वो बनी से और फ्लॉन्ग एरिया से था, उसे भी फर्स्ट टाइम मैंने इंकरेज किया और वो कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स मीट में गया और उसने फर्स्ट टाइम जाके 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड मेडल ले लिया। और उसी बच्चे ने उस इंटर यूनिवर्सिटी में 4 किलोमीटर की रेस में सिल्वर मेडल लिया। जब लिटरेरी एक्टिविटीज की बात आई तो कॉलेज की 300 स्टूडेंट्स थी, जिसमें काजल पठानिया थी, उसने पार्टिसिपेट करा अपने गवर्नर रोलिंग ट्रॉफी में, जो बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, जो हमारे पास सिंपोजियम चलता है और वो गवर्नर साहब खुद उसे मॉनिटर करते हैं,
और 46 कॉलेजेस ने जिसमें पार्टिसिपेट किया उनमें से 6 को उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट करना था एंड काजल पठानिया गॉट द सेकंड राउंड ऑफ मैरिट। इसी कॉलेज की एक और उपासना नंदा स्टूडेंट मेरी जिसे हमने इंटरनल यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले योर टैलेंट में भेजा, उसने वहां पे रेजिस्ट्रेशन में 3rd प्राइज दिया और वो भी गवर्नर साहब ने खुद प्रेजेंट किया। एशियन नेम बसोली कॉलेज का विश्वविद्यालय था, तो हमारी काफी डिस्कशन के बाद एक्टिविटी हमने डिसाइड करा कि हम अपनी जो न्यूज़लेटर बनाएंगे जिसमें सारी कॉलेज की जो हैपनिंग्स हैं, जो भी हमारे पास प्रोग्राम जो हमने करे, बच्चों की जो अचीवमेंट थी, उस सबको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लाके तो न्यूज़लेटर हम रिलीज करेंगे जिसका नाम हमने विश्वविद्यालय। तो आज हम सारे गैदर हुए इसलिए कि हम उस विश्वविद्यालय को यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज करेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय गुप्ता जी से, डॉक्टर नितिन जी से, पवन जी से भी, सबको जो मेरे गेस्ट हैं वो डाइस पे आए। तो मेरा आज इनका बनाने का एक मोटिव ये भी था और रेडी से साहब से भी सामने और प्रिंसिपल मॉडल हायर स्टडी के भी सामने, इस कमिंग सेशन में मैंने एक प्रपोजल बनाया, हम स्टाफ बैठ के पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि हम जितने भी इवेंट जम्मू में होते हैं वो सारे का सारे इवेंट्स हम इन 4 कॉलेजेस में पहले यहाँ कसोली कॉलेज में करेंगे और होस्ट मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ एडीसीज और प्रिंसिपल साहब को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बनी से वो आएंगे बिलावर वाले और मानपुर वालों के लिए तो बसेस हम प्रोवाइड करेंगे वापस जा सकते हैं, लेकिन बनी वालों के लिए स्टे के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहां पे आप मैट्रिसेस डाल के और वो सारे बच्चे वहां आए। No snow bounds, and I can't help appreciate the efforts of Mr. Principal and his team to come out with a very attractive book, which is named on the old name of this place, Vishwasthali, and for that he also deserves congratulations that he has revived the name of Vishwasthali again. We belong to which nation? We belong to. Ranjit Jambalji. At the outset, let me congratulate you, sir, you and your team, which has been so well dedicated in presenting this. Let me use the word masterpiece. गोमा डिग्री कॉलेज बसोली के प्रिंसिपल हमारे साथ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज महानपुर के प्रिंसिपल प्रोफेसर नूतन जी, चेयरमैन रामिष्ट कॉलेज हमारे एमिनेंट रिट्रीट राइटर शिव कुमार पादा जी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल और डिफरेंट कॉलेजेस प्रिंसिपल्स हाई सेकेंडरी स्कूल्स के, यहाँ का स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट करके मुझे मौका मिला कॉलेज में आने का और न्यूज़लेटर जो है इसको इनॉग्रेट करने का। बस बोलिए, एक पुराना हिस्टोरिकल टाउन है और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम जब पढ़ते थे हमारे साथ जो लीज थे सोली के, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, केएएस, केपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जवाल साहब का नाम प्रपोज किया, तो जवाल साहब आए। जब इनके साथ इंटरेक्शन हुई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि इनका और हमारा एक ही टेम्परामेंट है, हम एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं। तो जो ये मतलब चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम अक्सर डिस्कस करते थे कि कैसे हो। फिर इन्होंने जो भी प्रपोजल दिए जैसे जैसे है, खैर ये सारा काम तो इन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने इनको कहा कि हम जब आप बुलाएंगे, जब आप हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है, यहाँ पे पहले लाइब्रेरी नहीं थी वसोली में, तो मैंने लाइब्रेरी वहाँ से शिफ्ट करवाई यहाँ ओबीसी हॉस्टल में, तो वहाँ पे हमने 2 रूम्स दिए, वहाँ पे मैंने सर अभी 11,000 बुक्स हैं वो मैंने वहाँ पे करवाई सेंक्शन डिफरेंट अथॉरिटीज से करवा के, पुलिस उनके डिपार्टमेंट से भी हमें हेल्प मिली और जो JEE नीट के जो होते हैं इंजीनियरिंग और बैंकिंग
एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, वो सारे वहाँ पे मटेरियल है, और केएस आईएस केपीएस वगैरह का जो भी मटेरियल है सिविल सर्विसेज का, वो भी वहाँ पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी अगर जरूरत हो बुक्स की, जर्नल्स की, न्यूज़पेपर्स की, लिटरेचर की, तो वहाँ पे सारा अवेलेबल है।